नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि खरकाटे और मेरा यूट्यूब चैनल मैकेनिक ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं टाटा GB20 का गियर बॉक्स कैसा असेंबल करते हैं, स्टेप बाय स्टेप पार्ट 3। दोस्तों, GB20 गियर बॉक्स का हमने टोटल 3 वीडियो बनाया है, जिसमें कि हमने 2 वीडियो को अपलोड कर दिया है और ये आज हम तीसरा वीडियो अपलोड करने वाले हैं, जिसमें हमने पहला पार्ट में जो बताया है कि गियर बॉक्स कैसा ओपन करते हैं, और हमने सेकंड पार्ट में बताया है कि मेन शाफ्ट कैसा असेंबल करते हैं, और आज हम थर्ड पार्ट में बताने वाले हैं कि गियर बॉक्स असेंबल कैसा करते हैं। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों हम जो वीडियो अपलोड करने वाले हैं वो है किर्लोस्कर HA394 इंजन का टाइप कैसा सेटिंग करते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाले हैं। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल मैकेनिक ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल जाया करेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम आ चुके हैं गियरबॉक्स के पास, और ये जिस गाड़ी में लगा है उसका नाम है टाटा 407 टर्बो गाड़ी है, जिसमें ये 20 का गियरबॉक्स लगा हुआ है जो कि न्यू मॉडल में है। और हमने दोस्तों ये गियरबॉक्स फिटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें काउंटर शाफ्ट को सेटिंग करना होगा, तो हमने गियरबॉक्स केसिंग जो है उसके अंदर काउंटर शाफ्ट को डाल दिया है, और डालने के बाद में हमने जो एक बोल्ट ऊपर से जो लगाया है जिसमें हम काउंटर के बेयरिंग को प्रेस करते हैं, तो उस बोल्ट को इसलिए लगाया जाता है जो कि हम जब भी काउंटर सेट करते हैं तो ना ही प्ले रहना चाहिए ना ही जाम होना चाहिए, इसलिए हम उसे लगाते हैं ताकि उसमें क्या है उसका बेयरिंग बाहर ना आ जाए। तो दोस्तों, अब हमें हमारा काउंटर शाफ्ट सेट हो चुका है और इसके बाद हमें लगाना है रिवर्स गियर, तो चलिए हम रिवर्स गियर को फिट कर लेते हैं। रिवर्स गियर में दोस्तों दो बेयरिंग लगता है और एक लॉक लगता है, दोनों साइड में एक एक, और उसके बीच में ये हम केसिंग के अंदर पिन लगाते हैं और उसी रिवर्स गियर के पिन में हमारा रिवर्स गियर फिट हो जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों, जब रिवर्स गियर का पिन लगाएंगे उस समय रिवर्स गियर के जो पिन होता है उसमें एक कट लगा होता है, उस कट वाली भाग को मेन शाफ्ट के साइड में रखना है और पिन को हल्का हल्का हैमर से मारना है। तो देख सकते हैं पिन पूरा अंदर चला गया है और जो कट वाला भाग है मेन शाफ्ट के साइड में आ गया है। तो चलिए अब हम काउंटर शाफ्ट को घुमाकर देख लेते हैं, कहीं जाम तो नहीं हो रहा है या प्ले तो नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम ये रिवर्स गियर का फॉर्क लगा देते हैं। फॉर्क लगाने के पहले आपको रिवर्स गियर का एक पैड लगता है, उस पैड को ज़रूर लगाना है। ठीक है, अगर उस पैड को आप नहीं लगाओगे और फॉर्क लगा दोगे तो उससे क्या होगा दोस्तों, वो बाद में आप उस पैड को नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो देख सकते हैं हमारा रिवर्स गियर का फॉर्क लग चुका है। अब हम दोस्तों हमें मेन शाफ्ट फिट करना है, जैसे कि हमने सेकेंड पार्ट में बताया था मेन शाफ्ट कैसा असेंबल करते हैं। अगर उस वीडियो को आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा हो तो आप हमारे आई बटन को क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में हम पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक दे देंगे, आप डिस्क्रिप्शन चेक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं हमने मेन शाफ्ट पूरा असेंबल करके रखा था और ऐसे के ऐसा ही पूरा असेंबल हमने फिट कर दिया है, और उसके बाद मेन शाफ्ट फिट करने के बाद हमें मेन बेयरिंग फिट करना है। तो बेयरिंग को सेंटर करना है दोस्तों, और सेंटर करने के बाद में फिर हैमर लेना है, और हैमर लेके हल्का हल्का बेयरिंग के कॉलर पे चोट मारना है, दोनों अपोजिट में मारना है दोस्तों। ठीक है, आमने सामने चोट मारनी है धीरे धीरे, ताकि बेयरिंग धीरे धीरे अंदर चली जाए। ठीक, तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा बेयरिंग फिटिंग हो चुका है। इसके बाद हमें माइलोमीटर गियर फिट करना है, जो कि देख सकते हैं हमने फिट कर दिया है, और इसके बाद में गियर बैलेंसिंग कवर, तो
इसमें दोस्तों सबसे पहले हमें इसमें सील फिट करना पड़ेगा, और सील फिट करने के बाद हमें कवर के जो कवर है कवर के फेस पे एनाबोंड या स्लैग लगा लेना है, और उसके बाद बैलेंसिंग कवर को फिट कर देना है। दोस्तों जब भी फिट करेंगे आप तो आप देखना कि रिवर्स गियर का जो हमने पिन फिट किया था उसका कट सही है या नहीं। अगर उसका कट सही जगह पे है तो वो पिन ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, क्योंकि पिन का कुछ कॉलर जो है प्लेट के अंदर साइड हो जाता है जिसमें पिन लॉक हो जाता है। तो चलिए इसमें टोटल 9 बोल्ट लगा हुआ है 13 नंबर का, इसे हम फटाफट टाइट कर लेते हैं। इसमें बोल्ट छोटा बड़ा साइज़ का होता है, तो देख सकते हैं हमने बैलेंसिंग कवर का बोल्ट टाइट कर लिया है, और ये है फ्लैंच, हम इसे कपलिंग भी कहते हैं। तो इसे हम हल्का चोट मार कर अंदर कर लेते हैं, उसके बाद चकनट को हम टाइट कर लेते हैं। दोस्तों चकनट को आप स्पैनर से अच्छा फुल टाइट कर लेते हैं, उसके बाद हम गेयरबॉक्स को घुमा लेते हैं, और गियरबॉक्स घुमाने के बाद में हम करते हैं टॉप गियर फिट, जिसे हम इनपुट शाफ्ट भी कहते हैं। तो इनपुट शाफ्ट फिटिंग करने के पहले दोस्तों हमें इनपुट शाफ्ट का रोलर बेयरिंग फिटिंग करना होगा। तो जैसे कि देख सकते हैं हमने इनपुट शाफ्ट का रोलर बेयरिंग मेन शाफ्ट में फिट कर दिया है, उसके बाद में हमें टॉप शाफ्ट को फिटिंग करना है। तो दोस्तों टॉप शाफ्ट को फिटिंग करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, हमें बेयरिंग का सेंटर मिलाना है और गियर के टीथ मैच करने हैं, और गियर के जैसे ही टीथ मैच हो जाते हैं तो आप हैमर से हल्का हल्का दोनों साइड मतलब बेयरिंग के दोनों अपोजिट में आप धीरे धीरे चोट मारें, ताकि बेयरिंग धीरे धीरे अंदर की तरफ आ जाए और अपनी जगह पे फिट हो जाए। जैसे कि आपने देखा होगा 40 गियर में ऐसा कोई लॉक या चांद लॉक रहता है, ऐसा इसमें नहीं रहता है। ये डायरेक्ट बेयरिंग के सीट के ऊपर डिपेंड करता है और कवर के ऊपर ही डिपेंड करता है, ये कवर के भरोसे ही रहता है। तो हमें अब गियरबॉक्स का चिलम फिटिंग करना है दोस्तों, तो हमने चिलम के ऊपर स्लैक लगाकर हमने गैस्केट लगा दी, और गैस्केट लगाने के बाद हमने स्लैक लगा दिया, और उसके हमने काउंटर्स का सीम्स लगा दिया उसमें, और हमने ये चिलम को फिट कर दिया है। तो देख सकते हैं एकदम आसानी से चिलम फिट हो चुका है। अब हम चिलम के सारे बोल्टों को अच्छे से टाइट कर लेते हैं, और टाइट करने के बाद हम गियर बॉक्स को सीधा कर लेंगे। दोस्तों जब भी आप चिलम के बोल्ट को टाइट करोगे तो आपको अपोजिट में टाइट करना है, जैसे कि आमने सामने का। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल मैकेनिक ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल जाया करेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना दोस्तों। तो जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों आप, हमने चिलम गियरबॉक्स चिलम फिट कर दिया है, और इसके बाद हम गियरबॉक्स को एकदम सीधा कर लेते हैं, जिसमें कि हमें गियर लगाकर चेक करना है कि हमारा गियर सही आ रहा है या नहीं। तो देख सकते हैं दोस्तों अभी हमने रिवर्स गियर लगाया है, ये रिवर्स गियर में अभी घूम रहा है, ठीक है, हमने रिवर्स गियर अभी लगा दिया है। अब हम न्यूट्रल कर देते हैं, तो ये है न्यूट्रल, देख सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले हम डबल गियर में लॉक कर लेते हैं, जैसे कि हमने एक रिवर्स गियर लगा दिया है और दूसरा हम 4 नंबर गियर लगा देते हैं, और इसके बाद हम मेन शाफ्ट के नट को अच्छे से टाइट कर लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा दोस्तों, जब हम मेन शाफ्ट का प्ले देखेंगे या चेक नट अगर लूज रहता है तो उससे प्ले बताएगा, जिसमें कि हमें समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम मेन शाफ्ट को एकदम टाइट करके फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि आपको हमारे गियर जो हमने अभी फिट किया है वो लग रहे हैं या नहीं। तो चलिए हमारा
मेन सबका चेक नट टाइट हो चुका है। अब हम गियर लगाकर चेक कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट गियर लगाते हैं अब, तो देख सकते हैं ये फर्स्ट गियर है और ये फर्स्ट गियर लगा हुआ है। अब हमने इसे न्यूट्रल कर देते हैं। और उसके बाद दोस्तों हमें सेकंड गियर लगाना है, तो देख सकते हैं सेकंड गियर भी लग गया। अब हमें थर्ड गियर लगाना है, तो चलिए हम थर्ड में ले लेते हैं। थर्ड गियर लग रहा है या नहीं लग रहा है तो देख लेते हैं। तो देख सकते हैं थर्ड गियर भी आराम से लग गया है। चलिए हम इसे न्यूट्रल कर लेते हैं और उसके बाद हम चार नंबर लगा लेते हैं। तो देख सकते हैं चार नंबर भी एकदम आसानी से लग गया। और एक गियर और बचा है जिसमें हम टॉप गियर लगा देते हैं। लगता है थोड़ा सा टाइट है टॉप गियर, ऐसा कुछ नहीं है, मीनिंग मैच नहीं हो रहा है। तो देख सकते हैं टॉप गियर भी हमारा लग चुका है। और यह है दोस्तों टॉप कवर, जिसमें कि पहला, जैसे कि हमने अभी टॉप कवर देखा था, उस टॉप कवर को अब हमें इस गियर बॉक्स के ऊपर फिट करना है। तो फिटिंग करने से पहले हम गियर बॉक्स का जो टॉप कवर का फेसिंग है उस पर हम स्लैक लगा लेते हैं। और स्लैक लगाने के बाद हम उसके ऊपर पैकिंग लगा लेंगे। और पैकिंग लगाने के ऊपर बाद हम उसके ऊपर स्लैक लगा के टॉप कवर को फिट कर देंगे। टॉप कवर फिटिंग करते समय आपको ये रिवर्स का जो कॉर्क है उसे आपको देखना है और सोच समझ कर एकदम बिठाना है। अगर वो आड़ा टेढ़ा या आजू बाजू बैठ जाता है तो आपका या तो रिवर्स गियर लॉक हो जाएगा, ना ही आगे होगा ना ही पीछे होगा। तो आपको यह ध्यान देना है। इस कवर को, टॉप कवर को लगाने के बाद आपको सारा गियर डालकर चेक कर लेना है कि रिवर्स गियर सही बैठा है या नहीं। बाकी सारे तो आप अपने अपने जगह पे फिटिंग हो जाते हैं, बट रिवर्स गियर का जो फॉर्क है उसी का थोड़ा सा डाउट रहता है। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा कैसा लगा हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना दोस्तों। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय और गुड नाइट दोस्तों।